ओम शांति। आज के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं 26 जुलाई 2021 के। आज विशेष बाबा ने याद की यात्रा पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो, चार्ट को बढ़ाते रहो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम याद में रहो, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। बाबा कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। फिर बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने में रुकावट डालने वाला संस्कार बताया कि बाप सेवा पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का, मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं, इसमें कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा कितना निरअहंकारी हैं और कितनी बड़ी अथॉरिटी हैं। फिर बाबा ने अंतिम समय की अवस्था के लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, ऐसे पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख, बस हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होंगी तब विजय माला में पिरोने के लायक बनेंगे। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर। मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ जट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का दिन और रात है, यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है इनको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है, अब यह तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है।
थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप कहते हैं, धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाना है। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं, अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह करेगा। बाप कहते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है, नंदा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालसा नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत विकरात हो जाती हैं, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। यह कभी नहीं समझना चाहिए, बीमारी आदि होती हैं यह तो कर्म भोग हैं। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे, धर्म राज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। कर्म भोग चुकतु करना है, यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाती हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाबा नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती हैं। कहते हैं, बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं, देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सब को तोड़ माम एकम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जाती है, हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का 3रा नेत्र मिला है, यह सब कब्रिस्तान होना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं, काम विकार का कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं, बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया।
एकदम पांच माल अर्थात पांचवे मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक पुर्जा पुर्जा हो गया। खलास हार्ट गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट, इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत ही विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बाबा के आगे तो सब महारथी बच्चे हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएंगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होंगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो कल क्या करेंगे। यह तपस्या करते हो फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकाल सकते हैं। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तो तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलना है। याद की यात्रा में जो पक्के मस्त रहेंगे उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होंगी। जैसे शिव बाबा की याद में रहे तो
तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होंगी तब विजयमाला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते, वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आते हैं पार्ट बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो, यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे, ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं के सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए, परंतु फिर टिक भी सके ना। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आ जाओ, तुम डरते क्यों हो। कदम कदम पर पूछना है, श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता है उसमें पदम है, तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व के शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। तो बाबा ने समझाया, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप एक सेकेंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से
ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। आज का स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देंगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देंगी। अच्छा, ओम शांति।